राग सूही अष्टपदिया महला पहला एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। पहले पास से ये बाणी महाराज पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव दी है। देखो संतां दे विच किन्नी निवरता, कितना प्यार है कि सब कुछ होंदिया होई भी अपने आप नूं कितना कमजोर, की कुछ कह रहे है कि है मेरे मालक, मेरे विच सारे अवगुण है, कोई गुण नहीं। कंत मिलावा वो मेरा परमात्मा जेड़ा है, उहदे नाल मेरा किस तरह मिलाप होएगा। कोई मेरे विच गुण नहीं, खाली सारे गुण सन, गुणा दे प्रभुर सन, मालक नाल मिले चुले सन, फिर भी अपने आप नूं संत किस तरह डाउन कर रहे। फिर ये सानू मूर्खां नूं जाज दस रहे, ये सानू जाज दस रहे है, आप ते वो सब कुछ सन, सानू ये जाच नहीं आउंदी कि असी भी उस मालक अगे फरियाद करिए कि है मालक साडे विच कोई गुण नहीं है, सारे आप गुण ने। साडा उस मालक नाल किस तरह मिलाप होएगा, तू साडे दे दया कर, सानू दया मंगनी चाहिए है मालक पासों, हमेशा वास्ते उहदे मांगत बने रहना चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह ने पानी की गड़बी ली, एक तौलिया लिया, सारे अपने सिखां दे पैर धोते, वो कहन लगे है प्रभु ये काम तो साडा सी, असी करना सी, ये तुसी कर रहे हो। उन्हां कहा काम तो तुहाडा है पर मैं तुहानू जाज दस रहा, मैं तुहानू जाज दस रहा, काम तुहाडा है। इस तरह संत महापुरख सानू जाज दसदे है कि उन्हां दे विच कोई अवगुण नहीं, वह तो पवित्र साफ सन, वह तो अपने मालक दे नाल पहुंचे हुए। ये सिर्फ सानू दस रहे है मूर्खां नूं भी तुहानू भी इस तरह का होना चाहिए, मालक दे अगे फरियाद करनी चाहिए, अपने अवगुण दसने चाहिए, अपने आप नूं कमजोर समझना चाहिए है, उस मालक दे मांगत बनना चाहिए है। हाँ जी, सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावोई। नाम रूप ना बांके ना
कुल टांगना नीचे बैना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ना कोई रूप ना रंग ना कोई टांग ना मेरे बांके नहीं है। प्रभु मैं किस तरह तेनु पावांगी, मैं किस तरीके नाल तेरे नाल मिलांगी। ये संत महापुरख इसे दस्या है कि वो सानू ही जाय दस रहे, सानू समझा रहे है तरीके नाल। ये सानू समझना चाहिए संत महापुरखां दी बाणी कि वो एडे वड्डे महापुरख ये कुछ कह रहे है ते असी कुछ भी नहीं, असी कुछ भी नहीं ते असी कदी भी फरियाद नहीं करते मालक अगे, कदी असी उठ के जागे नहीं, सोचा नहीं, रात दे समय फरियाद नहीं कीती मालक अगे कि मालक असी कुछ भी नहीं है। जिस तरह एक कवाली विच फरमाउंदे है, जेकर देखा अपने वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जेकर देखा रहमत तेरी ते बल्ले बल्ले बल्ले। भाई उस दी रहमत बड़ी है, साडे पल्ले कुछ नहीं, साडे पल्ले कुछ नहीं, उस मालक दी रहमत बहुत, असी उस दी रहमत नू लेना है। असी अपने आप नू अहंकारी ते मानी नहीं होना और अपने गुनाह अपनियां कमजोरियां असी उस मालक दे अगे पेश करनी। है मालक ये साडे च कमजोरियां तू दूर कर, साडे ते मेहर कर। हाँ जी नाम रूप ना कुल टांगना नीचे सहज श्रृंगार कामन कर गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है सहज श्रृंगार। श्रृंगार कई बार हजूर जिन्हां दा दरबार है वो फरमाउंदे हुंदे सी कि दुनिया दा श्रृंगार नहीं है, सोने चांदियां पा के श्रृंगार नहीं बनता, ये झूठा श्रृंगार है। सच्चा श्रृंगार केड़ा क्या संता ने, वो जत सत दा सील दा, किसनू ना चोर लै सकदे है, ना पानी रोक सकदा है, ना कोई चुरा सकदे। वो सच्चा श्रृंगार संता महापुरखां ने कीता है, जिस श्रृंगार दे नाल उस प्रभु नू मंजूर होया। ये श्रृंगार जड़ा है झूठा है, कोई श्रृंगार नहीं, इहदे नालों साडा मालक नहीं मिलता। जिस श्रृंगार दे नाल उस मालक ने मिलना है, तुसी इत्थे देखिया है कि 40 साल उन्हां तपस्या कीती है, वो जात साध दा श्रृंगार बनाया। इथों तक कई बार उन्हां दी मौज आउंदी सी, सैरगियां अपने हाथ दसने, सूरज गुरूब हुंदा सी देखना हाथ चमकदा है, वो केड़ी चीज चमकदी है, वो जात साध। नवां ते खून हुंदा सी, कहिंदे मैं कोई खून ओ नहीं लाया,
ਜਿਹੜਾ ਨਹੁੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਕੌਣ, ਲੱਗਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਲ ਜਤ ਸਤ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਉਸ ਰੂਹ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਹਾਗ ਕਦ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਹਾਗ, ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸੁਹਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਰੂਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਥ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀ ਸੀ ਸੀਲ ਸੰਦੋਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ,
और भजन भी करना, सत्संग की सेवा भी करनी। वो क्यों मौत हो गई, असी देखना कि क्यों हो गई सी उहदे ते मौत। उहदा रूप बनिया सी, उहदे ते उह सीर संदोख आया सी, जो गुरु साहब जी बाणी च फरमारे ठीक फरमारे, पर उहना परवाह नहीं कीती। जदों उसने अग मंगी तो उसने ऐसी अड़कूनी पाई कि शायद इस अड़कूनी नूं पूरा नहीं करेगा तो मैं इसनूं अग नहीं देनी, ये मेरे काबू आ जाएगा। भाई एक कोले अग दा एक अख दा ना, कि ना अख दा ना देगा ना इसनूं मैं अग देवांगी। पर फरीद साहब ने सोचे अख बड़ी सस्ती है, अख दे विच उंगल पा के डेला कट के दे दिता, अग लैके डेरे आ गया, आके पानी गर्म किया, मुरशद नूं इशनान कराया, पट्टी बद्धी ही उते। मुरशद ने पुछया है पट्टी कई बद्धी है जी, अख आ गई। जे आ गई है तो पट्टी खोल दे, अगे नालो छोटी आई। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमारे ठीक फरमारे है, उस रंग रूप नूं बनाने वास्ते फकीर दिन रात तपस्या कर दे, और इस काम क्रोध तू बचदे है, इन्हां दुखां तू बचदे है। बड़े वड्डे दुश्मन साडे अंदर बैठे है, जिहड़े साडे नाल हर समय दुश्मनी कर रहे है, साडी इस माया नूं खो रहे है। स्वामी दयानंद जी कई बार साखी सुनाई है, कोई औरत उसनों मत्था टेक गई, उन्हां दी समाधि लगी सी, मत्था टेकी उहदा मुड़का जिहड़ा सी उन्हां दे चरणां नूं लग गया। ते साडा हर एक इंसान दा खून पसीना इको जिहा नहीं है, साडे खून पसीने विच बहुत फर्क है। जैसी जैसा साडा खाना पीना, सोसाइटी और इसे तरह साडा खून पसीना, सारी रात जागदे रहे। जदों उन्हां नूं समाधि खुली ते सारी रात जागदे रहे, पता लग गया उन्हां नूं कि मेरा सत भंग ना हो जाए। इस वास्ते कि उस रूप रंग नूं बनाने वास्ते फकीरां ने जिंदगियां तपा कर दित्तियां, दिन रात मेहनतां कीतियां। वह रंग रूप गल्लां बातां दा मजबूत नहीं है। तुसी किसे पशु की सेहत देखो क्यों बनती है, उहदे विच खून पैदा हुंदा। खून जदों पैदा हुंदा है, हजूर फरमांदे 100 कतरा खुराक दा खाओ तो एक कतरा खून दा बनता है, 100 कतरा खून दा होवे तो एक कतरा सील दा बनता है। जदों इस दी हिफाजत नहीं होनी, ये उस पासे वो खुराक नहीं खानी, इसने जहरीलियां खुराकां खानियां जिन्हां नाल ये खून भी तपा हो जाए। हर एक चीज तपा हो जाती है, फकीरां ने खुराकां भी वो खादियां जिहदे नाल खून सही रहिंदा है, और फिर वो कतरा सील दा संदोख दा ताकत दा जमै होना शुरू हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। फिर सारे सारे शरीर दे विच
हजरत बहु साहब की बाणी विच फरमाया है, ये तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शद देख ना रजा हो, ये मेरा सारा शरीर अख होवे ते मैं मुर्शद नू देख देख के ना रजा। तूनू दे मुंड लख लख चश्मा ये खोला एक कजा। देखो हजरत बहु साहब की बाणी किस तरह फरमा रहे हैं, इतनिया डिठियां सबर नावे होर किते वल पज्जा। उन्होंने सही किया है जो कुछ बाणी च लिखिया, सही किया है कि मेरिया इनिया अखां हो जाण ते मुर्शद नूं मैं देख देख के रजा ना। इतनिया डिठिया सबर नावे होर किते वल पज्जा। देखो मुर्शद की कितनी तारीफ और की कुछ होएगा मुर्शद दे विच जिहड़ा इनिया अखां दसदा है कि इनिया मेरिया अखां हो जाण ते मैं मुर्शद नूं देखां। उहदे मुर्शद दे विच की होएगा, कितना उहदे विच जत सत होएगा, कितना उहदे विच देखण वाली वस्तु होएगी। हुण असीं जदों भी किते अखां ताड़ के देखने ते किसी चीज नूं देखते, कोई अच्छी चीज होंदी है ते उहनूं देखदे आ, गलत नूं ते नहीं देखदे। उस दे मुर्शद दे विच की होएगा जिसने इन्नी तारीफ कीती है कि इन्नी अखां मेरियां होण, मेरे लूणू दे मुंड लख लख चश्मे हो जाण, फिर भी मैं मुर्शद नूं देख के निराजा। देखो कितनी तारीफ है मुर्शद दी, और देखना है कि की कुछ ही उहदे विच जिहड़ा इन्ना कुछ कह रहा हज़रत बहु साहब जी। हाँ जी, नात सरूप नारे के साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि है मेरे मालक मेरे विच कोई सुरत कोई मत नहीं, तुसी अपनी कृपा करो मैनू अपने चरणा दे नाल लगा लो, तुसी दया करो मेरे ते क्योंकि मेरे च कोई मत नहीं है, कोई अकल नहीं मेरे विच, कोई सुरत नहीं, तुसी अपनी दया दे नाल मैनू अपने चरणा च रखो। देखो संतां दे विच हर एक चीज सी ओ मत दे भरपूर, सब ताकतां उहनां दे विच सन, मगर बाणी च की फरमा रहे है, पिछे दसिया है कि वह सानू मूर्खा नू मत दे रहे है, सानू समझा रहे है कि तुहाडे विच अकल आनी चाहीदी, तुसी भी उस प्रभु दे पासों निवरता दे नाल दीनता गरीबी दे नाल तुसी मंग मंगो, उस मालक दे पासों दया मंगो। साडे विच है भी कुछ नहीं, है भी असी खाली ढोल है गए हैं, खाली खोखे हैं असी, ये सिर्फ साडा वजूद ही है, बिच साडे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी असी उस मालक दे अगे फरियाद नहीं करते, उस मालक अगे फिर भी असी फरियाद नहीं करते, फिर भी असी अपने
कोनारू नहीं दस दे उना पासों दया नहीं मंग दे जिन्हां दे बिच सब कुछ सी ओ फिर मालक दे पासों सब कुछ मंग रहे हाँ जी सूरत मत नहीं चतुराई कर कृपा प्रभ लाओ पाई खरी सियाणी कंतना पा साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है खरी सियाणी असी अपने वास्ते खरे होवांगे सियाणे होवांगे समझदार होवांगे जे साडा मालक सानू मंजूर ही नहीं करदा तो साडी सियाणप की है जदों साडा मालक सानू मंजूर नहीं करदा तो की साडा सियाणप की असी सियाणे हैगे आ असी कुछ भी नहीं असी सियाने तद हाँ जे साडा मालक सानू मंजूर करे जिन्हां जिन्हां ने मुरशद दी मत लई उस मत ते चलन की कोशिश की थी उन्हां नू उस मालक ने मंजूर कर लिया। जितने पिछले संत महात्मा हुए है तुसी देखते हो ना मुरशद दी मत ते दिन रात मेहनत की जो उन्हें दस्या कि वो मालक ने मंजूर नहीं किया उन्होंने वो अपने घर चले गए उन्होंने बाणियां गवाही दे रही हैं वो अपने मालक नाल मिल गए लेकिन असी अपने गुनाह नहीं दसती अपनिया असी अकल करते हाँ समझदारी करते हाँ वह मालक मनदा नहीं साड़ी अकल नूं इसने मनना नहीं अकल चुतराई छोड़ तेरे भले को कहो। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे आ अकल चुतराई छोड़ तेरे भले को कहो अकल भी छड़ दे चुतराई भी छड़ दे ये मैं तेरे भले वास्ते कह रहा सानू अकल वढ़ वढ़ के खा रही और की है नुक्स भी की है हर बंदे नू क्या कोई बड़ा क्या छोटा है सारे नू अकल वढ़ वढ़ के खा रही जिन्हां ने मुर्शिद दी अकल ले ली वो पास हो गए उन्होंने उस मालक ने मंजूर कर लिया उस अकल ते चलन की कोशिश की थी उन्होंने खरी सियाणी कंतना पाणी माया लागी परम पुलाणी हो मैं जाई ता कंत समाई प्यारे नानद पाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि हुमे जाए जद साड़ी हुमे जंदी नहीं असी उस कंत नू किदां पाईए हुमे दी साडे अंदर बहुत बड़ी दवार खड़ी है वो दवार दे ओले सब कुछ है जदों साडे विच्चों हुमे निकल जाएगी सब कुछ सानू नजर आ जाएगा वो साडा मालक सानू मंजूर कर लेगा। हुण हुमे देखना असी जाएगी किदां वो केड़ी दवाई है केड़ा कर्म है जिस दे नाल साडी हुमे जांदी है संतां ने बाणी दे विच लिखिया है हुमे ममता शब्द जलाई भाई हुमे ममता दा
तबाही जिहड़ी है इसनूं दूर करन वास्ते खत्म करन वास्ते एक शब्द है। फकीरां ने दिन रात शब्द की कमाई की, दिन रात शब्द की कमाई की है और इस हुमे ते ममता नूं खत्म कर लिया, वो अपने मालक नाल मिल गए। हाँ जी, हो मैं जाई कंता समाई तो कामर प्यारे नान दबाई अनेक जन्म बिछड़त दुख कर गए ले ओ प्रीतम प्रवरा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे, ऐ प्रभु अनेकां ही जन्म तेरे तो बिछड़ के असी दुख पाए। दुख केड़े पाए है? 84 दे 84 विच असी कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत बने। ये जन्म बाद जन्म असी दुख पांदे रहे, ये असी दुख पाए। इन्हां दुखां दा इलाज संत महापुरख ही करदे। कहंदे आ भाई नाम जप, ईश्वर दी भगती कर, देखी किते ऐस रस्ते न पै जाए। ये बहुत दुख ने, तुसी हालत देखो इस वक्त। असी सारे लोग अपने अपने घरां दे विच कई इंतजाम असी किते है, अज मौसम दे मुताबक बाहर जड़ियां जूनां कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े परिंदे ने पशु ने की इंतजाम है उन्हां दा। वह भी चाहते है साफ जगह दे बैठना, सामनों सामने कर्म लभ रहे ने, जो किया है वह भुगत रहे है। देख के सानू इस चीज की पता लगना चाहिए कि कर्म बागे ही किते कर्म सानू लेना पैंदे, क्योंकि सामने देख रहे हैं जिहड़ा असी कहने ये जोग मिठा अगला किन डिठा, कोई अगला कित्थे आ गया? तुहाडे सामने अगला बैठा है, तुहाडे सामने पशुआं दी हालत देखो, परिंदियां दी हालत देखो, कुत्तियां बिल्लियां दी हालत देखो, की हालत हो रही है? पेट पूरा नहीं हो रहा, जिन्हां दी भुख ही पूरी नहीं, प्यास पूरी नहीं, रहन बहन नूं थां नहीं, ते जोग किते होर थे आउणा, अज जोग सामने आएगा। लेकिन असी देखते नहीं, असी अपने सुख नूं और उन्हां दे दुख नूं देख के असी परमात्मा का शुकराना करना चाहिए है। मालक असी इस लायक नहीं जो कुछ तू सानू दे चुक, तू साडे ते बड़ी कृपा की। ये संत महापुरख जिन्हां नूं सारी समझ है वो ही फरियादा करते हैं, वो ही उस पासों मेहर मंगते है। उस मेहर का कदर उन्होंने किया है, असी नहीं करते। सानू उहदा दित्ते दा कदर भी कोई नहीं आएगा। हाँ जी, अनक जन्म बिछड़त दुख पाया कर गए ले ओ प्रीतम प्रवरा। पढ़त नानक जय पावे प्यारा।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਭਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਇਕ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰ ਪਰਤ ਨਾਨਕ ਸਭੀ ਓ ਸੀ ਜੈ ਪਾਵੇ।